दोस्तों ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा लाल चंदन के इर्द गिर्द घूमती है। वैसे तो लाल चंदन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बता ही दिया था, और आज की इस वीडियो में हम पुष्पा के एक सीन के बारे में बताएंगे जिसे देखकर ऐसा लगता है कि फिल्म मेकर्स शायद इस बात को भूल ही गए थे। पहले आप इस क्लिप को देखिए। इस सीन में आपने देखा कि चंदन की लकड़ियां नदी में तैरती हुई आ रही हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि लाल चंदन की लकड़ी की डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा होता है, जिस वजह से ये पानी में डूब जाती हैं, और लाल चंदन की लकड़ी को पानी में डालकर इसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन पुष्पा मूवी में कुछ और ही दिखाया गया है। लाल चंदन की लकड़ी पानी में तैरती हुई नजर आती है, जैसा कि आप इस सीन में देख पा रहे हैं। इस सीन को देखकर ऐसा ही लगता है शायद फिल्म मेकर्स ने इस बात पर गौर नहीं फरमाया। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ नॉलेज और एंटरटेनमेंट के लिए है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।